रामबन 94, जम्मू 242 और कटरा 226। निकल गए भाई फिर से, अभी छोले भटूरे मिल गए थे यहाँ पे, खा लिए हमने। हम तो समोसों की यूज़ करने में स्ट्रेट था, 50-60 की स्पीड पे चल रही थी गाड़ियाँ, तो मज़ा आ रहा था। और ये निकल आए, लेकिन एक चीज़ यार, जैसे ही निकले यहाँ का मौसम एकदम से चेंज है। नेहा मौसम बिल्कुल चेंज। नेहा तुमने एप्पल तोड़ के खाया, कैसा एप्पल है? तुम्हारे भाई है एक ये और हमारे भाई है वो, इन्होंने हमें अलाउ किया, हालांकि यहाँ पे अलाउड नहीं है, कि फ्रेश एप्पल जूस कॉर्नर। यहाँ पे आपको पिकल भी मिल जाएगा और फ्रेश एप्पल्स, देखिए वो रखे हुए एप्पल्स, ये तोड़ के रेड। दोस्तों करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हम हैं अभी पहलगाम में और होटल के नीचे हैं अपने, जस्ट बाइक वाइक तैयार कर ली, हम भी रेडी हो गए, नेहा भी रेडी हो गई। अब हम निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए डायरेक्ट। आज का टारगेट जो है हमारा वो है दिल्ली के लिए, तो देखते हैं दिल्ली पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, और यहाँ से लौटते टाइम सफ़र का भी इंजॉय करते हैं। चलो ठीक है भाई, ओके, थैंक यू थैंक यू। कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं लगाई तुमने? और चप्पे चप्पे पे बीएसएफ आर्मी के जवान हमारी सुरक्षा के लिए, हम निकल चुके हैं यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, जितनी तारीफ करो उतनी कम मौसम की। और पहलगाम के मेन रोड पे आ गए हम लोग, यहाँ से अभी निकलते हैं, देखते हैं यार आगे का क्या सीन है, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो साथ में बने रहिए, मौसम के नज़ारे लेते रहिए, हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ। आज हमने कोशिश करी है जल्दी निकलने की, तो जल्द से जल्द करने में ही 8:30 बज गया। कोई बात नहीं, खैर 8:30 भी कोई इतना नहीं है। कल तो हम बहुत लेट हो गए थे, कल हम सोनमर्ग से निकले थे तकरीबन 11 बजे के टाइम निकले थे, तो वहाँ से बहुत लेट हो गया था। अब ये है कि 12 बजे तक हम कवर कर सकते हैं आपका जम्मू, राइट, लेकिन उससे पहले अभी यहाँ पे एप्पल के बाग हैं आगे से स्टार्ट होंगे, जो कि 15 किलोमीटर तक एप्पल ही एप्पल है। और यहाँ पे मैंने पता किया था तो बताया ये जा रहा है कि यहाँ के जो एप्पल है ना वो ग्रीन रहता है, तो इसलिए वो मार्केट में बिकता नहीं है, उसका मतलब या तो उसका एप्पल साइडर बन जाता है या उसका एप्पल जूस या किसी और काम में उसको लिया जाता है। तो क्या है कि बाग के जस्ट गेट पे ही उन्होंने अपना एक स्टॉल लगा के रखा है, तो फ्रेश एप्पल का आप जूस पीजिए। तो कल तो हमने ट्राई नहीं किया था, लेकिन आज ज़रूर ट्राई करेंगे और जाएंगे एप्पल के बाग के अंदर, एक्सप्लोर करेंगे, खुद से हाथ से तोड़ के खाएंगे एप्पल। वो एक्सपीरियंस ही अलग ही होगा, क्योंकि हमने अखरोट भी तोड़े हैं और खुबानी भी तोड़ी है, अब एप्पल और हो जाएगा इन लिस्ट में शामिल। तो देखते हैं, फटाफट से पहुंचते हैं। और ये राइट हैंड पे जो नदी है ना, ये लिटरली बहुत खूबसूरत है यार, मतलब आप अपनी खुद की आंखों से देखो, कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस ब्यूटी को। जहाँ तक थोड़ा मोड़ा कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब आप खुद आओगे यहाँ पे तब आपको पता लगेगा यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। मतलब ये कश्मीर की सबसे खूबसूरत वैलियों में से एक है, यहाँ के लोग भी बता रहे थे और मैंने खुद भी महसूस किया है। मैं सोनमर्ग, गुलमर्ग और श्रीनगर, ये डल लेक, यहाँ सब हर कहीं जा चुका हूँ, लेकिन यार यहाँ पे जो सुकून है ना, एक पीस, और जो नेचर है यहाँ पे, मतलब नेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है इन्होंने, जैसा कि और अलग जगह पे किया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम। और अब हम फटाफट से पहुँचेंगे एप्पल के बाग में और वहाँ पे जाके दिखाते हैं आपको कि कैसे एप्पल हैं वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े एप्पल हैं, आज जाके देखते हैं वहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों अभी हम रुक गए हैं एप्पल के बाग में, सामने देखो ये एप्पल का पेड़, बड़ा बड़े पेड़ हैं और लधे पड़े हैं इस पे, तो अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है और तोड़ के खाएंगे भी यार, मन कर रहा है। तो ये है एप्पल का पेड़, बाप रे, ये देखो आप, ये एप्पल है, अंदर लधे पड़े हैं एप्पल, ये देखो सामने,
और इधर ये छोटे छोटे से हैं वो हाइब्रिड के पेड़ हैं अंदर लगे हुए। नहीं ये देखो, ये है एप्पल, करीब से देखो आप, ये एप्पल कितने जबरदस्त पेड़ है यार, ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे। नेहा तुमने एप्पल तोड़ के खाया, कैसा है एप्पल? बहुत टेस्टी, बहुत मीठा। हैं तुम्हारे भाई हैं एक ये और हमारे भाई एक वो, इन्होंने हमें अलाउ किया, हालांकि यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप तोड़ के भी खाएं, लेकिन इन्होंने हमें स्पेशली अलाउ किया कि आप तोड़ के खा सकते हैं। और ये देखिए एप्पल, यार सच में बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। तो यार हमने यहाँ पे जूस पी लिया, बहुत टेस्टी, मतलब इतना जबरदस्त। नेहा जूस कैसा था लगा तुम्हें? तो बहुत टेस्टी था। ये देखो फ्रेश एप्पल जूस कॉर्नर, यहाँ पे आपको पिकल भी मिल जाएगा और फ्रेश एप्पल्स देखिए वो रखे हुए हैं एप्पल्स, ये तोड़ के रेड जो जाते हैं उन्हें तोड़ के बनाते हैं डायरेक्टली, और मज़ा आ गया यार, सच में मज़ा आ गया। हाँ अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। हम लोग पहुँच चुके हैं अनंतनाग, और अनंतनाग की मार्केट में हमारी जो सर्च है वो है अभी समोसा या छोला पूड़ी या छोले भटूरे, ये कुछ मिल जाए यार तो मज़ा आ जाए सच में। बहुत अंदर से मन कर रहा है ये सब चटपटा सा खाने का। ये कबूतर ऐसे लेके जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो मुर्गे ऐसे जाते हैं। और पेट्रोलिंग करती हुई मिलिट्री यहाँ पे, यार समोसे की शॉप मिल जाए फटाफट से तो समोसा खाऊं, मैं तो 4-5 समोसे खा जाऊंगा सच में, अगर अपने जैसा टेस्ट हुआ तो, वरना यहाँ का तो पता नहीं टेस्ट भी कैसा ही होगा। खैर कोई नहीं, देखते हैं, मिल जाए अगर हमें समोसा तो हमारे लिए गुड लक है, वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी हमारे लिए। रामबन 94, जम्मू 242 और कटरा 226 निकल गए भाई फिर से। अभी छोले भटूरे मिल गए थे यहाँ पे, खा लिए हमने, हम तो समोसों की उसमें थे, लेकिन समोसा भी था वहाँ पे, वो भी टेस्टी था। यूपी साइड के बंदे थे जिनकी शॉप थी तो टेस्ट सही था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था लेकिन हाँ एवरेज ही था। तो हमें क्रेविंग हो रही थी कुछ अपने साइड का खाने की, तो खैर हमने खा लिया और अब निकलते हैं। अभी तक तो कोई किसी मिलिट्री वाले ने रोका नहीं है, और ये यहाँ का ब्रेकफास्ट होता है स्पेशल, छोटी छोटी सी नान होती है और हल्की सी मीठी होती है, उनको ही ये लोग खाते हैं सुबह नाश्ते के साथ, हमसे तो नहीं खाई जाएगी, हमें तो चाहिए भैया चटपटा तला चिकना भुना वो वाला। चलिए देखते हैं आगे, हाईवे पे टच करके मेन हाईवे NH 44 पे के क्या है वहाँ के हालात, तब आगे की अपडेट देते हैं आपको। तो गाइस गुड न्यूज़ ये है कि रास्ता खुल गया है और हमें जाने की परमिशन मिल गई। पीछे बहुत लंबा जाम था लेकिन उन्होंने क्या, जो टू व्हीलर वाले हैं वो निकल जाएं पहले, बाकी इन ट्रक का पता नहीं कभी नंबर आएगा, ये तो बहुत लंबा जाम है, और हमें निकलने की परमिशन दे दी है तो हम जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या सीन होएगा, कहीं और तो नहीं रोका जाएगा हमें। और एक फ़ायदा हमें और भी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यात्री जो है ना, जो केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं और बद्रीनाथ यात्रा पे, उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है पहले निकलने का। तो हमारे पास लगेज है बाइक पे बहुत ज़्यादा, तो वो लोग ये समझ रहे हैं कि हम यात्रा पे हैं तो हमें प्रेफरेंस मिल रहा है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। खैर फिलहाल अब तो हम निकल रहे हैं और आगे देखते हैं कैसा रास्ता होगा, क्या होगा, कैसा क्या नहीं होगा, और बताते हैं आपको सारी अपडेट, बने रहिए जब तक। तो हमारे कदम रामबन की तरफ बढ़ते हुए, विच मीन्स जम्मू की तरफ बढ़ते हुए, रामबन यहाँ से 53 किलोमीटर है और हम फिर से पहाड़ियों पे चढ़ गए। अभी उन्हें मैंने जैकेट उतार दी थी क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन अब जैसे यहाँ पे चढ़े तो मौसम थोड़ा सा सुकून वाला हो गया, अब मतलब अच्छा लग रहा है, बाइक चलाते हुए मज़ा आ रहा है। यहाँ पे यार जो साइन बोर्ड होता है ना किलोमीटर्स का, वो बड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। एक जगह पे 808 किलोमीटर डेली लिखा हुआ था, उसके जस्ट 1 किलोमीटर के पास 792 लिखा हुआ था,
तो ये बड़ा कन्फ्यूजन सा है कि पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये तो एक्चुअल मैप ही बता पाएगा, लेकिन मैप अभी हम खोलेंगे नहीं क्योंकि बैटरी जो है ना उसको सफिशिएंट चार्ज रहने दो। हालांकि हमारे पास पावर बैंक भी है, लेकिन उसको अभी रहन दो ऐसी जैसा है, और आगे चल के देखते हैं कैसे कैसे नज़ारे हमें और मिलने वाले। वैसे नज़ारे यहाँ से भी खूबसूरत हैं। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, ये भी एक वैली है, पता नहीं कौन सी है क्या है। और ये पीछे जाम लगा हुआ था अभी, लेकिन बाइक वालों को निकलने दिया जा रहा है, बाइक वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मज़ा आ रहा है यार, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है थोड़ा सा सफ़र, क्योंकि पहाड़ों पे फिर से चढ़ गया। अभी एक प्लेन रोड था तो उस पे मज़ा नहीं आ रहा था, अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम दिल्ली में वापस से आ गए। लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार, वी आर स्टिल इन कश्मीर, और कश्मीर के मज़े लेते हुए हम निकल रहे हैं अभी बनिहाल मार्केट से। ये जगह बनिहाल है, ये शॉप्स देखिए बहुत पुरानी शॉप्स हैं, लकड़ी की बनी हुई हैं। और बनिहाल मेरे ख्याल से इसके आगे रामबन पड़ेगा और फिर उसके आगे जम्मू पड़ेगा। ये एक मतलब कस्बा टाइप का जैसा होता है ना, एक तो गांव होता है और एक ये कस्बा टाइप का होता है, तो ये कस्बा टाइप का है बनिहाल जिसका नाम है। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, बनिहाल रेलवे स्टेशन। मेरे राइट हैंड साइड में रेलवे ट्रैक था और वहाँ पे ट्रेन भी खड़ी हुई थी, मैंने देखा था। तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ से जो है वो ट्रेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों जगह आ गई है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं रामबन। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, ये देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल नया नया सा बना हुआ है इस साइड से अगर हम देखें, और ताज़ी ताज़ी मिट्टी डली हुई है। यहीं से ही कांड हुआ था जिस वजह से कल हम फंस गए थे और निकल नहीं पाए थे। तो ये हिस्सा जो है ना पूरा, ये पूरा हिस्सा चेंज हुआ है इसका, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बहुत बहुत ज़्यादा मिट्टी है, कीचड़ वाली मिट्टी। और हमें डर भी लग रहा है क्योंकि कल ही हुआ था यहाँ पे लैंडस्लाइड। तो फटाफट से निकलें आगे वाले से कह के, भैया निकालो जल्दी, डर लग रहा है। ये एक टनल है, छोटी सी टीन शेड टाइप की टनल है, मेरे ख्याल से ये बन रही है। हाँ ये बन रही है, साइड में आप देखोगे तो। इस ज़रा सी टनल की खातिर हमने अपना पूरा एक दिन बर्बाद किया। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ हम रुक गए थे वहाँ पे। ये है पंथियाल जगह, रामसो पंथियाल, एक टनल आगे भी है, ये है सामने, हमें उस टनल में जाना है। एक वो टनल है उस साइड में, एक ये यहाँ पे, मतलब टनल ही टनल बन रही है यहाँ पे लग रहा है। तो ये टनल अंधेरी सी, अच्छा ये मतलब वन वे कर दिया है, उधर से आएंगी और इधर से जाएंगी सारी चीज़ें। चलो ये टनल तो मेरे ख्याल से नई है बनी हुई, थोड़ा सा हल्की हल्की लाइटें भी जल रही हैं, लेकिन विजिबिलिटी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की विजिबिलिटी आपको मिलेगी रोहतांग पास में अटल टनल में। वो तो ऑसम टनल है, उसका कोई जवाब नहीं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत टनल है। यहाँ पे तो देख रहे हो आप कितनी धूल उड़ रही है और बहुत ज़्यादा लो विजिबिलिटी है। फटाफट से बाहर निकलते हैं इस टनल के, और निकल ही गए ऑलमोस्ट हम, क्योंकि टनल ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये सामने उजाला सा दिख रहा है। तो सफ़र अब तक का सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा अफसोस हो रहा है क्योंकि पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं अब हम, वही पुरानी घिसी पिटी लाइफ, वही नॉर्मल पहाड़ों की लाइफ एकदम से बहुत खूबसूरत लाइफ होती है, अब उस लाइफ को छोड़ के एकदम से दूसरी में आना तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, इसी का नाम ज़िंदगी है, कभी खुशी है कभी गम है, तो हम दोनों चीज़ों को एंजॉय करेंगे। हालांकि गम तो ऐसा कुछ है नहीं लेकिन तब भी यार सही है। और फटाफट से हम ना अब एक दूसरी ट्रिप प्लान करेंगे बहुत जल्दी, और फिर उस ट्रिप पे भी जाएंगे, वो इससे भी लंबा ट्रिप होगा। ये हमारा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3000 किलोमीटर का ट्रिप था। अब जो मैं नेक्स्ट अपना ट्रिप करूँगा बाइक ट्रिप, वो इसका जस्ट डबल करूँगा, मतलब 6000 किलोमीटर का करूँगा।
एंड डैम श्योर करूँगा ही करूँगा, वो मेरा सपना है। बताऊँगा आपको आगे आने वाले दिनों में कि मैं कहाँ का प्लान करूँगा। तो यार हमारी लाइफ अभी हेल हो चुकी थी, हाथ पे देखो कितनी डस्ट, फ़ोन पे देखो कितनी डस्ट 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 डस्ट। हुआ ऐसा था कि जैसे हमने रामबन जो था उसकी टनल को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो कंस्ट्रक्शंस का काम मिला है, लिटरली 25-30 किलोमीटर तक सिर्फ कंस्ट्रक्शंस का काम, उसमें डस्ट कीचड़, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। देखिए पैर देखिए कैसे हो रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा रुक के कि पूरे मेरे जो शूज़ है ना वो ब्लैक से अभी हो गए हैं मिट्टी वाले, ऐसा लग रहा है मैं मिट्टी के शूज़ पहना हुआ हूँ, इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं। खैर एक अच्छी बात ये भी है कि टाइम हो रहा है 1:30 और जम्मू है 30 किलोमीटर यहाँ से, तो 30 किलोमीटर के बाद हम जम्मू पहुँच जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा रुक के रेस्ट वेस्ट करेंगे, कुछ खाए पियेंगे, कुछ हिम्मत आएगी तो उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से नहीं पता कि जम्मू किधर को है, दो रास्ते जा रहे हैं। गाइज ये आ गई है चिनानी नसरी टनल, और इस टनल की लेंथ जो है वो है 9 किलोमीटर, तो बहुत लंबी टनल है ये, 9 किलोमीटर लंबी। देखते हैं 1:55 हुआ है, हम कितनी देर में इसको कवर करते हैं। तो हम इस टनल में घुसे थे 1:55 पे और 2:05, यानी कि हमें 10 मिनट लगे 9 किलोमीटर कवर करने में। स्ट्रेट था, 50-60 की स्पीड पे चल रही थी गाड़ियाँ, तो मज़ा आ रहा था और ये निकला है। लेकिन एक चीज़ यार, जैसे ही निकले यहाँ का मौसम एकदम से चेंज है। नेहा मौसम बिल्कुल चेंज है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी इस टनल के अंदर, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन खैर जो है सो है, हम तो अपना रोड कंटिन्यूसली। और हाँ एक चीज़ और यार आपको बताना भूल गया, पीछे एक बोर्ड पड़ा था जिसमें मैंने बताया था 35, वो पता नहीं क्या ही था, और एक्चुअल में जो अभी रह गया है वो 150 किलोमीटर रह गया है जम्मू। तो ये ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पे बोर्ड बड़े गलत गलत हैं यार, तो बोर्ड की कभी ना आप मानना, अपना फ़ोन से ही देखना, मैप के थ्रू ही आपको सही पता लग पाएगा एकदम के एक्चुअल में क्या चीज़ है। पर हल्की हल्की सी बूंदें आ रही हैं अभी, आगे कहीं पे रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं यार, भूख भी लग रही है, थक भी गए बहुत ज़्यादा। मिलते हैं आपसे।